ओम शांति। इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ ईसीडी नंबर 1190, क्लैरिफाइड ऑन 29 अक्टूबर 2009 एट धुलावाड़ी, नेपाल। पांच नौ और सठ के द मनी डेटेड 5968 वॉज इन प्रोग्रेस। दूसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी। इन द मिडिल ऑफ द सेकेंड पेज वी वर डिस्कसिंग द टॉपिक। सर्वशास्त्रमय शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। द श्रीमद् भगवत गीता इज द क्राउन ज्वेल अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स। शास्त्र कहा जाता है शासन करने वाले विधान को। द लॉ ऑफ रूलिंग दैट इज शासन इज कॉल्ड अ स्क्रिप्चर दैट इज शास्त्र। शास माने शासन करना, शास मीन्स टू रूल, और शासक बनता है शासन करने वाले को कहा जाता है। एंड द वन हु रूल्स इज कॉल्ड अ रूलर दैट इज शासक। तो पुस्तक शासन करेगी, सो विल अ बुक रूल। शासक के रूप में कोई पुस्तक होगी, जड़ पुस्तक, या चैतन्य आत्मा शासन करेगी। विल देयर बी अ बुक, अ नॉन लिविंग बुक इन द फॉर्म ऑफ अ रूलर, और विल अ लिविंग सोल रूल। चैतन्य आत्मा ही शासन कर सकती है। Only a living soul can rule. उन शासन करने वाले शासकों के द्वारा बनाए हुए जो भी विधान हैं, वो तो जड़ पुस्तक के रूप में बनाए जाते हैं। All the principles laid down by the rulers are written in the form of non-living books. लेकिन असली शासन करता तो चैतन्य होता है ना। बट समवन हु इज लिविंग इज द एक्चुअल रूलर, इजंट इट। तो दुनिया में जितने भी अच्छे से अच्छे शासक हुए हैं, उन शासन करने वालों में सबसे अच्छा शासन करने वाली माता, उसका नाम दिया है सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमत् भगवत गीता। सो अमंग द फाइनेस्ट रूलर्स हु हैव एग्जिस्टेड इन द वर्ल्ड, द मदर्स हु रूल्स इन द बेस्ट वे इज नेम्ड श्रीमद् भगवत गीता, द ज्वेल क्राउन अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स। और वो भगवत गीता भी जो गाई हुई है, वो किस समय की यादगार है। एंड इवन दैट भगवत गीता विच इज फेमस इज द यादगार ऑफ विच टाइम। संगम युग की यादगार है। इट इज अ यादगार ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज। संगम युग में वो गीता माता और गीता पति भगवान दोनों ने ही मिलकर के जो दुनिया में शासन किया है, वो सर्वश्रेष्ठ शासन है। द रूल ऑफ दैट मदर गीता एंड द हस्बैंड गॉड ऑफ द गीता टुगेदर इन द वर्ल्ड इन द कॉन्फ्लुएंस एज इज द बेस्ट रूल। परंतु मनुष्यों ने उसे शासन करने वाली गीता का भी पॉल्यूशन कर दिया। बट ह्यूमन बींग्स पॉल्यूटेड इवन दैट गीता विच रूल्स, जिसे दुनिया में नेचर कहा जाता है, प्रकृति कहा जाता है। शी इज कॉल्ड नेचर दैट इज प्रकृति इन द वर्ल्ड। भगवान को प्रकृति पति कहा जाता है। गॉड इज कॉल्ड द हस्बैंड ऑफ द नेचर। प्रकृति हमारी माता है। नेचर इज अवर मदर। परंतु
जब प्रकृति का पुरुष से कनेक्शन लोप हो जाता है, जो परम पुरुष कहा जाता है, बट वेन नेचर लूजेज हर कनेक्शन विद पुरुष, द वन हु इज कॉल्ड द परम पुरुष, परम मीन्स सुप्रीम, तो जो और नंबर वार पुरुष है, द रेस्ट ऑफ द नंबर वाइज पुरुष नर हैं, दैट इज मेन, जो गीता को पोल्यूट करते हैं, हु पोल्यूट द गीता, अर्थात प्रकृति को पोल्यूट करते हैं, नेचर को पोल्यूट करते हैं, दैट इज दोज हु पोल्यूट प्रकृति नेचर, उससे फिर पांच तत्वों का पोल्यूशन बढ़ता है, द पोल्यूशन ऑफ द फाइव एलिमेंट्स इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ देम, वो पांच तत्व भी वास्तव में कोई जड़ मात्र नहीं है, जल वायु अग्नि आकाश शास्त्रों में लिखा है, इन रियलिटी इवन दोज फाइव एलिमेंट्स अर्थ वॉटर एयर फायर एंड स्काई aren't inert. इट इज रिटन इन द scriptures. ये देवताएं हैं, दैट दे आर deities. जिनको रावण संप्रदाय ने अपने कंट्रोल में किया हुआ था, whom the ones belonging to the community of Ravan had taken in their control. रावण ने उन देवताओं को भी, जल वायु अग्नि आकाश, इनको भी अपनी चारपाई की पाटी से बांध कर रखा था. रावण had tied even those deities, water, air, fire and sky to his bedstead. लेटे लेटे ही इशारा करता था. He used to indicate by lying. हे अग्नि देवता, अपना काम करो. और उंगली का इशारा हुआ. सारे शहर में लाइट अपना काम करती. Saying, O deity fire, do your job. And electricity does its job in the entire city with a gesture of a finger. उंगली का इशारा होता है, जल देवता अपना काम करने लग पड़ता है. Deity water starts to do its job with a gesture of a finger. आज रावण संप्रदाय ने साइंस के बल पर सारी सृष्टि के पांच तत्वों को बांध रखा है. टुडे द वंस बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ रावण हैव टाइड द फाइव एलिमेंट्स ऑफ द होल वर्ल्ड विद द पावर ऑफ साइंस. इन पांच तत्वों का संघात प्रकृति माता है. मदर नेचर इज द यूनियन ऑफ दीज फाइव एलिमेंट्स. वो पोल्यूट हो चुकी है. शी हैज बिकम पोल्यूटेड. जिसका मूल कारण है कि भारत में जिसे भगवान माना गया, उस गीतापति भगवान की गीता माता को बच्चों ने पोल्यूट किया. इट्स मेन रीजन इज that the children polluted the mother Gita of that husband god of the Gita, the one who has been considered to be god in Bharat. To sari duniya mein pollution paida ho gaya. So the entire world became polluted. Jo bhi manushya srishti rupi jhaad hai, jo bhi manushya matra hai, us jhaad mein pehla patta kaun hai? Who is the first leaf of the tree like human world among all human beings? Krishna ki atma. The soul of Krishna. Krishna ki atma se hi ye foundation chalu hota hai. This foundation starts being laid through the soul of Krishna himself. Jiske karan aaj sare Bharatvarsh mein log Krishna ko bhagwan maane baithe hain. Because of which
Today, the people in the entire Bharat have considered Krishna to be God. परम पिता समझते हैं। They consider him to be the supreme father. परमेश्वर समझते हैं। The supreme lord. वास्तव में कृष्ण तो इस सृष्टि रूपी झाड़ का पहला पत्ता है। In reality, Krishna is the first leaf of this tree-like world. मनुष्य सृष्टि का पहला भाई है। He is the first brother of the human world. बड़ा भाई है, दादा है। He is the elder brother, that is Dada. कलयुग में दादागिरी बहुत चलती है। There is a lot of bossiness in the Iron Age. गांव-गांव में, शहर-शहर में, दुनिया में, बड़े-बड़े महानगरों में, जो महान देश कहे जाते हैं उनमें भी अमेरिका जैसे दादागिरी दिखाई रहा है। It is as if America is showing bossiness over every village, over every city, over the world, big metropolitan cities, and even over the countries which are deemed powerful. तो कृष्ण बच्चा जब तमो प्रधान बनता है, तो गीता माता का पति बन करके बैठ जाता है। So, when the child Krishna becomes Tamopradhan, he sits as the husband of Mother Gita. Krishna बच्चा भी समझता है। Even that child Krishna thinks, ये गीता मेरी मुट्ठी में है, मेरे कंट्रोल में है। This Gita is in my fist, that is, she is in my control. जब सृष्टि का बेहद का बाप और उसके संबंध में रहने वाला बेहद का बच्चा जब ऐसे वाइब्रेशन बना लेता है, When the unlimited child who is related to the unlimited father of the world creates such vibrations, तो सारी सृष्टि में, घर घर में, एक एक परिवार में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सब खुदा न खास्ता अगर बाप न रहे या बाप विदेशी बन जाए या कहीं खो जाए तो वो बच्चा माता को अपने कंट्रोल में करके बैठता है। That all the children who are being born in the entire world, in every home, in every family, God forbid, if their father is no more, if he goes abroad, or if he is lost somewhere, the child takes the mother in his control. घर घर में माताएं कंट्रोल्ड हैं। The mothers are controlled in every home. माताएं भी उस बच्चे से प्रभावित हैं। Even the mothers are influenced by that child. प्रभावित को प्रजा कहा जाता है। The one who is influenced is called subject. माता रचना होना चाहिए या रचयिता होना चाहिए? Should a mother be the creation or the creator? माता की स्टेज तो रचयिता की है, बाप के साथ है। The stage of a mother is that of the creator. She is along with the father. बाप के साथ सहयोगी है। She is a supporter with the father. तो जैसे बाप रचयिता है, So just like a father is the creator, बाप बीज बोता है, a father sows the seed, माता उस बीज को धारण करती है, and a mother holds that seed, 9 महीने पालन करती है, she nurtures it for 9 months, जन्म का दुख भोगती है, suffers the pain of childbirth, जो पालना बाप नहीं कर सकता है, वो पालना माता करती है। A father can't give the sustenance, the mother can. शिशु की पहली पढ़ाई लिखाई जो कोई टीचर नहीं कर सकता प्यार से वो माता ही करती है। Only a mother gives the basic teachings to a child which no teacher can give lovingly.
और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, पालना लेते लेते, एंड वाइल रिसीविंग सस्टेनेंस व्हेन दैट चाइल्ड ग्रोज ओल्ड, तो वो रचयिता मात पिता अपने सारे जीवन की कमाई उस बच्चे को सौंप करके चले जाते हैं। द क्रिएटर्स दैट इज द पेरेंट्स हैंड ओवर द एंटायर अर्निंग्स ऑफ देयर लाइफ टू दैट चाइल्ड एंड लीव। तो ऐसे माँ बाप की तो कितनी मान्यता होनी चाहिए। सो सच पेरेंट्स शुड बी रिवर्ड अ लॉट। उसमें भी माँ की मान्यता तो भारतवर्ष में भारतीय शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है। इन दैट टू द रेवरेंस ऑफ अ मदर इज वेरी फेमस इन भारत, इन द स्क्रिप्चर्स ऑफ भारत। माता के लिए खास कहा जाता है, माता को माता न भवती। इट इज स्पेशली सेट फॉर अ मदर, अ मदर कैन नेवर बी अ बैड मदर, माता कुमाता न भवती। बच्चा कैसा भी हो, नो मैटर व्हाट काइंड ऑफ अ चाइल्ड शी हैज, लूला लंगड़ा हो, कुपत्ता हो, चोर डकैत हो, वेदर ही इज क्रिपल्ड, लेम, इमोरल, थीफ और डकॉइट, लेकिन माता की ममता उस बच्चे को अपनी गोद से अलग करने की नहीं होती। अ मदर्स अफेक्शन डजंट लेट हर सेपरेट दैट चाइल्ड फ्रॉम हर लैप। उस बच्चे को ममता दे मई पालना देती रहती है। शी कंटिन्यूज टू सस्टेन दैट चाइल्ड अफेक्शनेटली। आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। थिंकिंग इफ नॉट टूडे टूमोरो ही विल रिफॉर्म। इतना त्याग माता के अंदर होता है। देर इज सच फीलिंग ऑफ सेक्रीफाइस विद इन अ मदर। उसी माता को बच्चे अपने कंट्रोल में लेकर के बैठते हैं। द चिल्ड्रन सिट एंड टेक दैट मदर हर सेल्फ इन देयर कंट्रोल। ऐसे कंट्रोल में लेते हैं जैसे कि उस माता के पति बनकर के बैठे हुए हो। दे टेक हर इन देयर कंट्रोल इन सच अ वे एज इफ दे आर द हस्बैंड ऑफ दैट मदर। ये तो घोर अनर्थ हो गया। दिस इज अ टेरिबल डिजास्टर। भारतवर्ष में जब ऐसी हालत हो जाती है, व्हेन सच इज द सिचुएशन इन द लैंड ऑफ भारत, कि कृष्ण को ही गीतापति भगवान मान लिया जाता है, दैट कृष्ण हिमसेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी द हस्बैंड गॉड ऑफ द गीता, तो सब भारतवासियों की दुर्गति नहीं होगी तो सदगति होगी। इफ नॉट डिग्रेडेशन विल ऑल द भारतवासी अटेन ट्रू लिबरेशन। और भारतवासियों की दुर्गति होगी तो सारी दुनिया की दुर्गति कोई रोक नहीं सकता। एंड व्हेन द भारतवासी अंडरगो डिग्रेडेशन नोबडी कैन स्टॉप द डिग्रेडेशन ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। सब धर्म दुर्गति को पाए हुए हैं। एवरी रिलीजन हैज अंडरगोन डिग्रेडेशन। सब की मेंटेलिटी नीचे गिरी हुई है। एवरीवन्स मेंटेलिटी हैज फॉलन। ये रहस्य भगवान बाप आकर के खोलते हैं। गॉड द फादर कम्स एंड अनफोल्ड्स दिस मिस्ट्री। बच्चे गीता का भगवान इस मनुष्य सृष्टि का पहला पत्ता कृष्ण नहीं है। सेइंग चिल्ड्रन कृष्ण द फर्स्ट लीफ ऑफ दिस वर्ल्ड इज इन गॉड ऑफ द गीता। बल्कि उस पहले पत्ते को जन्म देने वाला गीता पति भगवान है। Rather, the one who gives birth to that leaf is the husband god of the Gita. वो मनुष्य सृष्टि का पिता है। He is the father of the human world. उस मनुष्य सृष्टि के आदि पिता में परम पुरुष शिव जो जन्म मरण के चक्र से न्यारा है, अभुक्ता है, अजन्मा कहा जाता है, गर्भ से जन्म नहीं लेता, वो प्रवेश करके विश्व पिता का पार्ट बजाता है। द परम पुरुष शिव हु इज फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, हु इज अभोक्ता, हु इज कॉल्ड अजन्मा, हु इज इन बॉर्न फ्रॉम अ वूम, ही एंटर्स दैट फोर फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड एंड प्लेस द रोल ऑफ विश्व पिता। इसलिए गीता को
सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि कहा जाता है। दिस इज वाई द गीता इज कॉल्ड द क्राउन ज्वेल अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स। वो विश्व पिता है। ही इज विश्व पिता। जब आता है इस सृष्टि पर, व्हेन ही कम्स इन दिस वर्ल्ड, तो इस सृष्टि पर सारे विश्व का पालन पोषण का कार्यभार करता है, अपने हाथ में लेता है। He takes up the responsibility of the sustenance of the entire world. He takes it up in his capable hands. और माता भारत में घर संभालती है। And a mother looks after the household in Bharat. माता का काम ही होता है घर संभालना। It is the very job of a mother to look after the household. भारत को माता कहा जाता है। भारत इज कॉल्ड मदर। और देशों में उस माता की इतनी मान्यता नहीं है। दैट मदर इजंट रिवियर्ड सो मच इन अदर कंट्रीज। विदेशी गॉड फादर को मानते हैं या गॉड मदर को मानते हैं? गॉड फादर को मानते हैं। Do the Videshi revere God the Father or God the Mother? They revere God the Father. अगर God Mother को भी मानते होते तो जब से ये विदेशी इस दुनिया में आए हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि, तब से प्रकृति का पोल्यूशन नहीं करते। Had they revered God the Mother as well, these Videshi like Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak, etc. wouldn't have polluted nature ever since they came to this world. आक्रामक नहीं बनते। They wouldn't have become tyrants. दूसरे के देशों पर, दूसरे राज्यों पर हमला नहीं करते। And they wouldn't have attacked other countries and kingdoms. इन विदेशियों के प्रभाव में भगवान बाप का पहला बच्चा कृष्ण आ जाता है। कृष्ण द फर्स्ट चाइल्ड, द फर्स्ट लीफ ऑफ गॉड द फादर कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस विदेशी। पहला पत्ता जब प्रभावित होता है, जो आदि सनातन देवी देवता धर्म का पहला पत्ता है, तो सारा भारत प्रभावित हो जाता है। व्हेन द वन हु इज द फर्स्ट लीफ ऑफ द एंशिएंट डेटी रिलीजन इज इन्फ्लुएंस्ड, द एंटायर भारत इज इन्फ्लुएंस्ड। सभी भारतवासी प्रभावित हो जाते हैं। ऑल द भारतवासीज आर इन्फ्लुएंस्ड। जो भी 33 करोड़ देवताएं गाए हुए हैं भारत के, वो सब एक एक करके विदेशियों की चपेट में आते हैं, प्रभाव में आते हैं और दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। ऑल द 330 million डेटीज हु आर प्रेस्ड इन भारत, all of them fall victim to the clutches of Videshi and come under their influence one by one and keep converting to another religion. Bharatvasi hi dusre dharmon mein convert hue. Bharatvasis themselves have converted to the other religions. Jo dusre dharm ke pakke hain, jo atma dwapar yug se direct upar se aati hain, those who are firm in other religions, the souls who descend directly since the copper age, और धर्मों में अपना राज्य जमाते हैं, who stabilize their kingdom in other religions, और देशों में पनपती हैं, who are sustained in other countries, वो आत्माएं कभी कन्वर्ट नहीं होती, they never convert. क्रिश्चियंस कभी हिंदू नहीं बने होंगे। The Christians would never have converted to Hinduism. Bodhi kabhi Hindu nahi bane honge. The Buddhists would never have converted to Hinduism. Musalman Hindu nahi bane honge. The Muslims would never have converted to Hinduism. Lekin Bharatvasi? But what about the Bharatvasis? Bharatvasi 2500 saal ki history batati hai. The history of 2500 years mentions the Bharatvasis.
जिन भारतवासियों को नरसे नारायण तुल्य देवता भगवान ने बनाया था गीता ज्ञान देकर. God had made those Bharatvasis into a deity Narayan from man by giving the knowledge of the Gita. Gita में ज्ञान ही है. नर अर्जुन को नर से नारायण बनाने का ज्ञान दिया गया. Arjun, a man was given the knowledge of the Gita itself to become Narayan from a man. और नारी द्रौपदी को नारी से लक्ष्मी बनने का ज्ञान दिया गया. And Draupadi, a woman, was given the knowledge to become Lakshmi from a woman. और उन नर नारायण को उनकी सारी प्रजा ने फॉलो किया. And all the subjects of those Nar Narayan followed them. यथा राजा तथा प्रजा. As is the king, so are the subjects. वो नारायण और लक्ष्मी ही देवता नहीं बनते हैं. Not just those नारायण लक्ष्मी become deities. जितने भी भारतवासी हैं, वो सब लक्ष्मी नारायण जैसे देवताएं बनते हैं. All the Bharatvasis become deities like Lakshmi Narayan. भगवान आकर के उनको राजयोग सिखाते हैं. God comes and teaches them राजयोग. विदेशी भगवान को पूरा पहचान नहीं पाते. द विदेशी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज गॉड कम्प्लीटली. क्योंकि पूर्व जन्मों के कर्म ऐसे किए हुए हैं. इट इज बिकॉज दे हैव परफॉर्म्ड सच एक्शंस इन द प्रीवियस बर्थ. जिनके एवज में उनको ऐसी बुद्धि मिलती है. As a result of which they receive such intellect. कि भगवान की गहराई से जो पहचान होनी चाहिए वो नहीं पहचान पाते. That they are unable to recognize God as deeply as they should. भगवान तो आकर के प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते हैं. In fact, God comes and establishes प्रवृत्ति मार्ग. ये जो भी विदेशी हैं, विधर्मिया हैं, वो सब निवृत्ति मार्ग को फॉलो करने वाले हैं. All these विदेशी विधर्मी और those who follow निवृत्ति मार्ग. प्रवृत्ति मार्ग को नहीं मानते हैं. They don't accept प्रवृत्ति मार्ग. भगवान बाप आएगा. When God the Father comes. तो किसका आधार लेगा. Who support will he take. वो तो निराकार है. He is the incorporeal one. निरंजन है. He is the one who is unblemished. उसको पापों का अंजन पापों का काजल नहीं लगता है. He isn't blemished by the blackness of sins. क्योंकि वो करता है अच्छे बुरे कर्मों का लेप छेप उसको नहीं लगता. It is because he is akarta. He isn't affected by the result of good and bad actions. ज्ञान का सागर है. He is the ocean of knowledge. सागर भी न करें कहें ज्ञान सूर्य कहें. Not even the ocean, call him the sun of knowledge. वो कभी किसी से प्रभावित नहीं होता. He is never influenced by anyone. वो परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं. When that supreme father, supreme soul comes in this world. तो सिर्फ कौन से देश में आते हैं. He comes in only which country? भारत में आते हैं. कोई दूसरे देश में नहीं आते. कारण क्या है. He comes in भारत. He doesn't come in any other country. What is the reason? कोई तो कारण होगा. There must be some reason. एकमात्र एक ही कारण है. There is just one sole reason. कि जो भारत की माताएं हैं भारत की कन्याएं हैं. That the mothers and maidens of Bharat. उनमें विदेशी कन्याओं माताओं के मुकाबले प्योरिटी का परसेंटेज बहुत ज्यादा है. Have a very high percentage of purity compared to the maidens and mothers abroad. ये भारत की कन्याएं माताएं ऐसी गौएं हैं. The maidens and mothers of Bharat are such cows. जिन गौओं को मात पिता जिस खूंटे पर जीवन भर के लिए बांध देते हैं.
सारा जीवन वहां रह करके अब भी विचारी जीवन बिताती है। Who stay tied to the peg their parents ties them throughout their life and lead an unadulterated life. कोई भी प्रकार का व्यभिचार पसंद नहीं है। They don't like any kind of adultery. इसलिए भारत में भगवान आते हैं। This is why God comes in Bharat. भगवान ever pure है। God is ever pure. उसे क्या पसंद होगा? Purity पसंद होगी। What will he like? He will like purity. तो बाप आकर के एक ही संदेश देते हैं। So the father comes and gives just one message. वो संदेश कन्याओं माताओं के द्वारा सुलभ होता है। That message is easily obtained through maidens and mothers. कन्याएं माताएं ही अपने जीवन चरित्र से, अपने मुख की आवाज से, अपनी भगवतमयी दृष्टि से, वाइब्रेशन से जो पवित्रता को संचार करती है जीवन में। The purity which only the maidens and mothers spread in their life through their life story, voice, divine drishti and vibrations. वो कोई पुरुष मात्र नहीं कर सकता। No man can do that. उन माताओं में among those mothers जरूर कोई 100% श्रेष्ठ थी श्रेष्ठ माता भी होगी। There would certainly be a 100% elevated mother. जिसका नाम अभी दिया। Her name was just mentioned. क्या नाम दिया? What was the name mentioned? सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता, द क्राउन ज्वेल अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स। एक है भगवान की बनाई हुई श्रीमद् भगवत गीता। वन इज द श्रीमद् भगवत गीता क्रिएटेड बाय गॉड। और दूसरी है मनुष्यों की बनाई हुई गीता। एंड द अदर इज द गीता क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्यों की गीता पढ़ते पढ़ते 2500 साल हो गए। 2500 इयर्स हैव पास्ड रीडिंग द गीता ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्यों की मेंटेलिटी भारतवासियों की तो क्या दुनिया वालों की भी मेंटेलिटी गिरती गई है। नॉट जस्ट द भारतवासीज हैज इवन द मेंटेलिटी ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड कंटिन्यू टू फॉल। मानसिकता गिरी है या ऊंची उठी है? गिरी है। हैज द माइंड सेट फॉलन और हैज इट राइजन? इट हैज फॉलन। तो मनुष्यों की बनाई हुई गीता से नरक बनता है। सो हेल दैट इज नरक इज एस्टैब्लिश्ड थ्रू द गीता क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। जैसा कि नाम है नरक, एज इज द नेम नरक। का माने करने वाला, नर माने मनुष्य। क मीन्स द वन हु डस एंड नर मीन्स अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य क्या बनाता है? व्हाट डज अ ह्यूमन बीइंग क्रिएट? है नरक बनाता है। ही क्रिएट्स हेल। कैसे नरक बनाता है? हाउ डज ही क्रिएट हेल? है माता कन्या बहन ये संबंध ऐसे हैं जो मनुष्य ही निभाता है, ये जानवर निभाते हैं। दीज रिलेशनशिप्स लाइक दैट ऑफ अ मदर अ मेडन अ सिस्टर आर सच रिलेशनशिप्स which only human beings preserve, or do animals preserve them? मनुष्य ही संबंधों को निभाता है। Only a human being preserve these relationships. लेकिन मनुष्य ही जब जानवर मिसल बन जाए, but when a human being himself becomes like an animal, माता को माता न समझे, पत्नी समझे, अपने कंट्रोल में रखे, बहन को बहन न समझे, बेटी को बेटी न समझे, तो मनुष्य और जानवर में फर्क क्या रह गया?
if he doesn't consider the mother as a mother, but considers her to be his wife and keeps her under his control, if he doesn't consider the sister as a sister, if he doesn't consider the daughter as a daughter, what is the difference between a human being and an animal then? इसलिए बताया कि भगवान आकर के मानव माताओं के सर पर ताज रखते हैं. This is why it was said that God comes and places the crown over the head of the mothers. ये जिम्मेवारी का ताज माताओं पर रखते हैं. He places this crown of responsibility over the mothers. कि तुम ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हो. Saying only you can open the gates of heaven. क्योंकि तुमने खास करके भारत की माताओं ने. It is because you, especially the mothers of Bharat, जन्म जन्मांतर पवित्रता के लिए बहुत सहन किया है. Have tolerated a lot for the sake of purity for many births. दुनिया वालों का भी सहन किया है, नाते रिश्तेदारों का भी सहन किया है, मोहल्ले वालों का भी सहन किया है, घर परिवार के सदस्यों का भी सहन किया है. You have tolerated atrocities committed by people of the world, friends, relatives, neighbors, as well as family members. इसलिए भारत की माताओं के ऊपर ये ताज भगवान ने रखा कि तुम ही स्वर्ग का गेट खोल सकती हो. This is why God placed this crown over the mothers, saying, only you can open the gates of heaven. पुरुष नहीं खोल सकते. Men can't. जब पुरुष खोल नहीं सकते, when men can't open them, तो फिर पुरुषों को ज्ञान सुनाने का हक है. Do they have the right to narrate the knowledge? नहीं है. They don't. लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है. But the question arises is कि पुरुषों को ज्ञान सुनाने का भी हक नहीं, क्योंकि मुख पवित्र नहीं है. If men don't even have the right to narrate the knowledge, it is because their mouth isn't pure. उसे कमल मुख नहीं कह सकते. It can't be called the lotus-like mouth. कमल नेत्र नहीं कह सकते, कमल हस्त, कमल पाद नहीं कह सकते. This can't be called lotus-like eye, lotus-like hand, lotus-like feet. क्योंकि इंद्रियों से पवित्र नहीं बने हैं, मनसा ही पवित्र नहीं है. Because they haven't become pure through the indriya, their very mind isn't pure. मन तो इंद्रियों में सबसे मुख्य है ना. The mind is the chief among the indriya, isn't it? और मुखिया ही पवित्र नहीं है. And when the chief itself isn't pure, तो उसके संगी साथी हाँ पवित्र ही रहेंगे. Its associates, student comments, yes, they will certainly be impure. तो ये पवित्रता का बीड़ा, पान का बीड़ा उठाने के लिए नंबरवार माताएं आगे आती है. So the mother step forward number wise to take up this responsibility of purity. उन माताओं में कोई अब्बल नंबर माता भी होगी. Among those mothers, there will certainly be a number one mother in the first place. कौन होगी? Who will it be? अव्वल नंबर माता वो ही हो सकती है जो सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमत भगवत गीता गाई हुई है. ओनली द वन हु इज ग्लोरिफाइड एज द श्रीमद भगवत गीता द क्राउन ज्वेल अमंग ऑल द स्क्रिप्चर्स कैन बी द नंबर वन मदर. ये गायन संगम युग का है. दिस ग्लोरी इज ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज. नारी से पुरुषार्थ करके पहले नंबर में लक्ष्मी का पद प्राप्त किया. शी हैज अटेंड द पोजिशन ऑफ लक्ष्मी फ्रॉम अ वुमन इन द फर्स्ट प्लेस बाय मेकिंग पुरुषार्थ. उसके मुकाबले कंपेयर्ड टू हर और जो भी माताएं हैं वो नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार. The rest of the mothers are number wise according to their purusharth. इसलिए this is why अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने
हम बच्चों को आदेश दिया। बाबा ऑल्सो ऑर्डर्ड अस चिल्ड्रन इन अ व्यक्त वाणी। अभी क्या करना है? वॉट शुड यू डू नाउ? है 70-71 साल तो बीत गए पुरुषार्थ करते करते। 70-71 years have passed making पुरुषार्थ। डायरेक्शन मिला भगवान का, पवित्र बनो, योगी बनो। वी रिसीव्ड गॉड्स डायरेक्शन, बिकम प्योर, बिकम अ योगी। कहाँ तक पवित्र बने? टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू बिकम प्योर? कहाँ तक योगी बने? टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू बिकम अ योगी? जितना बने होंगे उतना ही दूसरों को बना ही सकते हैं। यू कैन मेक द अदर्स प्योर टू द एक्सटेंट यू योर सेल्फ हैव बिकम प्योर। नहीं बने हैं तो दूसरों को भी नहीं बना सकते। इफ यू योर सेल्फ हैवन्ट बिकम प्योर यू कांट मेक द अदर्स प्योर ईदर। तो क्या एक भी पारिवारिक इकाई ऐसी तैयार हुई? सो डिड इवन वन सच फैमिली यूनिट गेट रेडी? जिसको पवित्र परिवार कहा जाए। विच कैन बी कॉल्ड अ प्योर फैमिली? नई दुनिया स्थापन होगी तो कोई तो पारिवारिक इकाई पहली तैयार होगी ना। When the new world is established, there will be some family unit which gets ready first of all. जो पहले पहले पवित्र बने। Which becomes pure first of all. पवित्र वातावरण बनाए, पवित्र दृष्टि बनाए, पवित्र वृत्ति बनाए, ज्ञान इंद्रियों को पवित्र बनाए। Which creates pure atmosphere, pure drishti, pure vibrations, and which makes the gyanindriya pure, won't it? जैसे कान हैं। For example, there are the ears. कान अच्छा भी सुनते हैं और बुरा भी सुनते हैं। They listen to good as well as bad things. पवित्र कान किनको कहेंगे? What will be termed as pure ears? है जो अच्छा ही सुनने के आदि हो। Those which are used to listen to only good things. अगर कोई बुरा सुनाता भी है तो एक कान से सुने दूसरे कान से निकाल दे। Even if someone narrates something bad, you should listen through one ear and let it out through the other. अंश मात्र भी उन सुनी हुई खराब बातों से प्रभावित न हो। यू शुडंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज बैड थिंग्स विच यू हियर इवन अ बिट। तो कहेंगे कान पवित्र हैं। देन इट विल बी सेड द इयर्स आर प्योर। जैसे भारत में गाया जाता है सदगुरु निंदक ठौर न पावे। फॉर एग्जाम्पल इट इज संग इन भारत द वन हु डिफेम्स द सदगुरु वोंट फाइंड एन अकोमोडेशन। तो सदगुरु की अगर थोड़ी भी ग्लानी कोई सुनाए और सुनी ही बातों को धारण कर लिया और दूसरों को सुनाया। सो इफ समवन डिफेम्स द सदगुरु इवन अ लिटिल एंड यू बिलीव व्हाट यू हियर एंड नरेट इट टू अदर्स, तो प्रभावित कहेंगे या नहीं कहेंगे? विल इट बी सेड दैट यू हैव बीन इन्फ्लुएंस्ड और नॉट? है प्रभावित हुआ? You became influenced. अगर प्रभावित न हुआ होता तो दूसरों को सुनाने की क्या जरूरत? Hadn't you been influenced? What was the need to narrate it to others? दूसरों को सुनाते हैं इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट करते हैं। किस बात का? If you narrate it to others, it means you advertise it. What? गुरु की ग्लानी का एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हुए हैं। You are engaged in advertising the deformation of the guru. तो उन ग्लानिंग की बातों से प्रभावित हुए तब तो ऐसे कार्य में लगे हुए हैं। So it is only when you got influenced by the deformation that you are engaged in such an act. तो कान विभिचारी बन गए। So the ears became adulterous. इसलिए बाबा ने बोला है एक से सुनना है। This is why Baba has said, you should listen to the knowledge from the one.
अगर औरों से भी ज्ञान सुना तो ज्ञान भी विभिचारी हो जाएगा। इफ यू ऑल्सो लिसन टू द नॉलेज फ्रॉम अदर्स द नॉलेज विल बिकम अडल्टरस एज वेल। मान लो दुनिया में 8-10 बड़े बड़े धर्म हैं जो फैले हुए हैं। सपोज देर आर 8-10 बिग रिलीजन स्प्रेड इन द वर्ल्ड। और उन धर्मों के फैलाने वाले 10 धर्म पिताएं हैं। एंड देर आर 10 रिलीजियस फादर्स हु स्प्रेड दोस रिलीजन्स। भगवान की बातें और उन 10 धर्म पिताओं की बातें, उनमें अंतर होगा या नहीं होगा? जरूर अंतर होगा। विल देयर बी अ डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ गॉड एंड द पॉइंट्स ऑफ दोस 10 रिलीजियस फादर्स और नॉट? देयर विल सर्टेनली बी अ डिफरेंस। हाँ, परमपिता परमात्मा जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस एक की गारंटी है कि अगर कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो उसका जिम्मेवार परमपिता परमात्मा शिव है। यस, देयर इज अ गारंटी फॉर द वन परमानेंट चैरियट होम द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल एंटर्स दैट इफ एनीथिंग अनटॉर्ड हैपेंस द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल शिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। क्योंकि वो शरीर रूपी रथ को कंट्रोल करने वाला है। इट इज बिकॉज ही इज द वन हु कंट्रोल्स दैट चैरियट लाइक बॉडी। सारी जिम्मेवारी उसके ऊपर आ जाती है। द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स अपॉन हिम। इसके अलावा जितने भी हुए हैं शासक अथवा जितने भी हुए हैं धर्म पिताएं, उन्होंने कुछ न कुछ श्रीमत के बरखिलाफ बातें सुनाई है। बिसाइड्स हिम द रेस्ट ऑफ द रूलर्स और द रिलीजियस फादर्स हैव नरेटेड समथिंग और द अदर अगेंस्ट श्रीमत। और जो श्रीमत के बरखिलाफ बातें हैं वो ये अधर्म स्थापन करती है। एंड द ओपिनियंस अगेंस्ट श्रीमत देमसेल्फ एस्टेब्लिश इरिलीजियसनेस। सबसे जास्ती अधर्मी भारतवासी बने हैं या विदेशी बने? Have the Bharatvasi or Videshi become irreligious the most? है? कौन बने? क्यों बने? Who has become that? Student, Bharatvasis, why did they become that? क्योंकि भारतवासियों के कान और धर्म वालों के मुकाबले सबसे जास्ती कच्चे बने। It is because the ears of the Bharatvasi became the most credulous as compared to those belonging to the other religions. सब की बातें सुनते रहे। भक्ति मार्ग में तो आदि ही बन गए। जो गुरु आया और उस गुरु ने जो बैठ करके सुनाया सत्यवचन महाराज। They kept listening to everyone. They just got used to it in the path of bhakti. Whoever came as a guru and whatever that guru sat and narrated, they used to say, "What you say is right, sir." माध्वाचार्य आए, उन्होंने सुनाया आत्माएं अनेक हैं। गीता का जब उन्होंने प्रवचन किया माध्वाचार्य ने, तो उन्होंने सुनाया कि आत्माएं अनेक हैं, मनुष्य आत्माएं अनेक हैं और भगवान एक अलग है। माध्वाचार्य केम, ही सेड देयर आर मेनी सोल्स। व्हेन माध्वाचार्य प्रीच्ड द गीता ही सेड देयर आर मेनी सोल्स, देयर आर मेनी ह्यूमन सोल्स एंड गॉड इज अ सेपरेट एंटिटी। तो भी कर दिया सत्यवचन महाराज। दे से टू इट, व्हाट यू से इज राइट सर। शंकराचार्य आए, उन्होंने सुनाया एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, आत्मा एक ही है। व्हेन शंकराचार्य केम ही सेड एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, इट मींस देयर इज जस्ट वन सोल, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, हुम वी कॉल द सुप्रीम सोल। दूसरा कोई है ही नहीं। देयर इज नथिंग एल्स। वो परमात्मा ही अनेक रूप धारण करता है। दैट सुप्रीम सोल हिमसेल्फ टेक्स ऑन मेनी फॉर्म्स। वास्तव में आत्माएं अनेक नहीं है। इन रियलिटी देयर आरंट मेनी सोल्स। तो सुनने वाले भारतवासियों ने क्या बोला? सत्य वचन महाराज, बताओ। सो व्हाट डिड द भारतवासीज हु लिसन टू हिम से? दे सेड व्हाट यू से इज राइट सर।
टेल मी. अब एकदम विरोधी बातों को भी सत्य वचन महाराज. नाउ दे सेड व्हाट यू से इज राइट सर टू टू एब्सोल्युटली कॉन्ट्रोडिक्टरी पॉइंट्स. तो कान कच्चे कहेंगे या पक्के कहेंगे? कच्चे कान. सो विल देयर इयर्स बी कॉल्ड क्रेडुलस और फर्म? दे आर क्रेडुलस. भगवान भी आता है. व्हेन इवन गॉड कम्स. तो उसके पास कुछ धन दौलत है क्या? डज ही हैव वेल्थ एंड प्रॉपर्टी? सोना चांदी है, हीरे जवाहरात हैं क्या? डज ही हैव गोल्ड एंड सिल्वर? डज ही हैव डायमंड्स एंड ज्वेलरीज? नहीं. नो. क्या है, क्या लेकर आता है? व्हाट डज ही हैव? व्हाट डज ही ब्रिंग व्हेन ही कम्स? ज्ञान लेकर आता है. ही ब्रिंग्स नॉलेज व्हेन ही कम्स. ज्ञान माने जानकारी. नॉलेज मीन्स इंफॉर्मेशन. काहे की जानकारी? इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट? सच्चाई की जानकारी. द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ. सत्य की जानकारी लेकर आता है. ही ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रूथ व्हेन ही कम्स. आकर बताता है सत्य एक है. ही टेल्स यू आफ्टर कमिंग देयर इज वन ट्रूथ. बल क्रिश्चियन लोग कहते हैं गॉड इज ट्रूथ. दो द क्रिश्चियंस से गॉड इज ट्रूथ. सत्य को भगवान कहा जाता है. हिंदू भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम. ट्रूथ इज कॉल्ड गॉड. द हिंदूज ऑल्सो से सत्यम शिवम सुंदरम. दैट इज ट्रूथफुल बेनेवोलेंट एंड ब्यूटिफुल. लेकिन वो सत्य कौन है? बट हु इज दैट ट्रूथ? अरे कोई है या सारे ही सत्य है? अरे इज देयर समवन और इज एवरीवन द ट्रूथ? है सबको धर्मराज की सीट पर सुप्रीम जस्टिस बना के बैठा दिया जाए? शुड एवरीवन बी मेड टू सिट ऑन द सीट ऑफ धर्मराज एज द चीफ जस्टिस? सत्य की परिभाषा कौन बताएगा? हु विल टेल यू द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ? जो सदा सत्य है वो ही आकर के सत्य की परिभाषा बताता है. ओनली द वन हु इज फॉरएवर ट्रूथ कम्स एंड टेल्स यू द डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ. उसको सदा शिव कहा जाता है. ही इज कॉल्ड सदा शिव. वो सदा शिव इस सृष्टि पर जब आते हैं तो सबसे जास्ती महिमा किसकी करते हैं? When that Sadashiv comes in this world, whom does he glorify the most? है? गीता की महिमा करते हैं. He glorifies the गीता. इसलिए उसका नाम ही क्या रख दिया? गीत. This is why what has it been named? गीत, that is song. क्या? What? जो भी बोला वो क्या है? Whatever he said is what? Poetry है. It is a poetry. कविता है. It is a poem. वो कविता का अर्थ हर मनुष्य के जानने की बात नहीं है. Not every human being can know the meaning of that poem. उसकी गहराई एक परमपिता परमात्मा ही बता सकता है. Only the one supreme father, supreme soul can tell you its depth. इसलिए वो टीचर भी है. This is why he is the teacher as well. गीता माता के रूप में सृष्टि पर आता है. He comes in the form of the mother Gita in this world. तो जरूर गीता माता का भी प्रैक्टिकल रूप चाहिए. So certainly the form of the mother Gita is also needed in practice. यज्ञ के आदि में दो माताएं थी. There were two mothers in the beginning of the yajna. एक माता सारे यज्ञ को कंट्रोल कर रही थी. One mother was controlling the entire yajna. उसमें शिव प्रवेश भी होते थे. Shiv used to enter her as well. दूसरी माता उसमें प्रवेशता की कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है. No proof of Shiv's entrance in the other mother is available. लेकिन वो माता प्योरिटी में अव्वल नंबर साबित होती है.
अब परमपिता परमात्मा जो एवर प्योर है वो पवित्र में आवेगा या अपवित्र में आवेगा? बट दैट मदर इज प्रूव टू बी नंबर वन इन प्योरिटी. नाउ विल द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल हु इज एवर प्योर कम इन समवन प्योर और इम्प्योर? अपवित्र में ही आता है. He certainly enters someone impure. चाहे पुरुष हो चाहे माता हो उसको प्रवेश अपवित्र में ही करना है. Whether it is a male or a mother, he certainly has to enter someone impure. जो आत्मा सृष्टि रूपी रंगमंच पर 100% पवित्रता का पार्ट बजाने वाली श्रीमद् भगवत गीता इस नाम से पुकारी गई. द सोल हु प्लेस द पार्ट ऑफ 100% प्यूरिटी ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड हु इज कॉल्ड बाय दिस नेम श्रीमद् भगवत गीता. वो तो ऊंचे से ऊंचा पद हो गया. दैट इज द हाईएस्ट ऑफ द हाई पोजिशन. वो तो वैष्णवी शक्ति हो गई. शी इज वैष्णवी शक्ति. विष्णु को फॉलोअर्स है. आज भी भारत देश में बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं. द फॉलोअर्स ऑफ विष्णु आर कंसिडर्ड टू बी वेरी एलिवेटेड इन द कंट्री भारत इवन टूडे. वैष्णव संप्रदाय दे आर द वंस बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी ऑफ विष्णु. उनकी क्या चीज प्रसिद्ध है? वॉट इज फेमस अबाउट देम? है प्योरिटी पवित्रता. विष्णु से ही बनता है वैष्णव. प्यूरिटी वैष्णव इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड विष्णु इटसेल्फ. जैसे ब्रह्मा से बनता है ब्राह्मण. फॉर एग्जाम्पल ब्राह्मण इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड ब्रह्मा. शिव से बनता है शैव. शैव इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड शिव. फॉलोअर्स या बच्चे के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है. अ सिलेबल इज एडेड टू द नेम ऑफ द फॉलोअर्स एंड द चाइल्ड. विष्णु का अर्थ ही है नो विश. विष्णु इटसेल्फ मीन्स नो विश दैट इज पॉइजन. जिसमें विषय विकार का नाम निशान भी नहीं है. दैट इज द वन इन होम देर इज नो नेम एंड फ्रेस ऑफ वाइसेस एट ऑल. वो वैष्णवी शक्ति जो गीता माता के नाम से संसार में प्रसिद्ध होती है जिसको बाबा नाम देते हैं सच्ची गीता. That Vaishnavi Shakti, who becomes famous by the name of Mother Gita in the world, Baba names her the true Gita. कैसी गीता? सच्ची गीता. इसका मतलब? What kind of Gita? The true Gita. It means? एक का नाम सच्ची गीता है तो जरूर कोई झूठी गीता भी है. When one is named the true Gita, certainly there is a false Gita as well. झूठी गीता वो जो दूसरों से प्रभावित हो जाए. द वन हु गेट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स इज द फॉल्स गीता. और सच्ची गीता वो जो एक के सिवाय और किसी से प्रभावित न हो. एंड द वन हु डजंट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय एनीबॉडी एल्स एक्सेप्ट द वन इज द ट्रू गीता. सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है. व्हेन द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड इज लेड तो नई सृष्टि के फाउंडेशन में. सो इन द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड नई सृष्टि की पालन करता शासन करता. द वन हु सस्टेन्स एंड रूल्स द न्यू वर्ल्ड. जो घर परिवार की पालन करने वाली हो. द वन हु सस्टेन्स द हाउस होल्ड. उसका नाम क्या हुआ? वॉट इज हर नेम? स्टूडेंट द मदर गीता. गीता तो अभी पढ़ाई पढ़ने के समय की बात है. द नेम गीता इज अबाउट द टाइम ऑफ स्टडिंग द नॉलेज नाउ. जब पढ़ाई का काम पूरा होता है. When the task of studying is complete. नई सृष्टि का परिवार एक इकाई तैयार हो जाती है. When a family unit of the new world gets ready. उस परिवार की इकाई की पालना करने वाली उसका नाम क्या होता है? What is the name of the one who sustains that family unit? है? वैष्णवी. वैष्णवी. वो वैष्णवी शक्ति परिवार को पालना करने वाली निमित्त बनती है. दैट वैष्णवी शक्ति हरसेल्फ बिकम्स एन इंस्ट्रूमेंट
टू सस्टेन द फैमिली. ये परंपरा अभी तक चली आई है. दिस ट्रेडिशन हैज बीन गोइंग ऑन टिल नाउ. बच्चों की पालना कौन करती है? हु सस्टेन्स द चिल्ड्रन? माता करती है या पिता करता है? द मदर और द फादर. पिता तो घड़ी घड़ी गुस्से में आ जाएगा. द फादर विल गेट एंग्री एवरी नाउ एंड देन. पिता बच्चे की जीवन भर टट्टी पेशाब साफ करेगा? विल द फादर क्लीन द चाइल्ड्स एक्सक्रीमेंट हिज होल लाइफ? उसका रोना धोना सुनेगा? नहीं सुनेगा. विल ही टॉलरेट हिज क्राइम? ही वोंट. माता में सहन शक्ति होती है. मदर्स हैव द पावर ऑफ टॉलरेंस. जिन माताओं कन्याओं में सहन शक्ति है वो ही भारत का प्रतीक है. ओनली द मदर्स एंड मेडन्स हु हैव द पावर ऑफ टॉलरेंस रिप्रेजेंट भारत. वो भारत माताएं ही नंबर वार हैं. दोज वेरी मदर्स ऑफ भारत आर नंबर वाइज. भारत की पुत्रियों को कहा गया है भारत माता. द डॉटर्स ऑफ भारत हैव बीन कॉल्ड मदर भारत. भारत कहा जाता है वर्ण पोषण करने वाले को. द वन हू सस्टेन्स इज कॉल्ड भारत. तो जो वैष्णवी शक्ति है वो पवित्रता का आधार है. सो वैष्णवी शक्ति इज द स्टोर ऑफ प्यूरिटी. नई सृष्टि जब आरंभ हुई When the new world began, तो भी कोई वैष्णवी शक्ति थी या नहीं थी? Did वैष्णवी शक्ति exist or not? है? थी. She did. सृष्टि के आदि में थी. When she existed in the beginning of the world, तो अंत में होगी या नहीं होगी? Will she exist in the end or not? जो आदि में सो अंत में. As in the beginning, so in the end. वो ही आत्मा है जो संगम युग में संगम युग लक्ष्मी नारायण बनती है. दोज वेरी सोल्स हु बिकम द कॉन्फ्लुएंस एज लक्ष्मी नारायण इन द कॉन्फ्लुएंस एज. संसार में पहली पहली पारिवारिक इकाई की रचना करने के निमित्त बनती है. हु बिकम द इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट द फर्स्ट फैमिली यूनिट इन द वर्ल्ड. वो ही आत्मा है जन्म लेते 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 अंतिम जन्म में आकर के ऐसा पवित्र युगल बनती है जिनमें पहले पहले परमपिता परमात्मा प्रवेश करके ज्ञान की धन संपत्ति का बीजारोपण करते हैं. दोज वेरी सोल्स बिकम सच प्योर कपल आफ्टर कमिंग इन द लास्ट बर्थ ऑफ मेनी बर्थ्स इन होम द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल एंटर्स फर्स्ट एंड सोस द सीड ऑफ वेल्थ एंड प्रॉपर्टी ऑफ नॉलेज. एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने वाला. क्या? वन इज द नॉलेज ऑफ लिस्निंग एंड नरेटिंग इट टू अदर्स. व्हाट? पंडित लोग होते हैं, शास्त्री लोग होते हैं, विद्वान आचार्य होते हैं. क्या करते हैं? व्हाट डू द पंडित्स कंपाइलर्स ऑफ स्क्रिप्चर्स लर्न्ड मेन स्कॉलर्स डू? शास्त्रों को सुनते हैं, पढ़ते हैं और सुनाते हैं. दे लिसन रीड एंड नरेट द स्क्रिप्चर्स. या उनके मर्म को समझते हैं? और डू दे अंडरस्टैंड देयर एसेंस? है? शास्त्रों का सार तो सिवाय भगवान के और कोई सुनाई नहीं सकता. नोबडी एल्स एक्सेप्ट गॉड कैन नरेट द एसेंस ऑफ द स्क्रिप्चर्स. भगवान ही आकर के वेदों शास्त्रों का रहस्य खोलते हैं. गॉड हिमसेल्फ कम्स एंड अनफोल्ड्स द सीक्रेट ऑफ द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स. तो एक ज्ञान होता है सुनने सुनाने का. सो वन इज द नॉलेज ऑफ लिसनिंग एंड नरेटिंग इट टू अदर्स. और एक ज्ञान होता है जीवन में सुनने सुनाने के बाद जीवन में पहले धारण करना और धारण करके दूसरों को धारण कराना. एंड द अदर इज द नॉलेज ऑफ असिमिलेटिंग इट इन लाइफ फर्स्ट एंड देन मेकिंग अदर्स असिमिलेट इट आफ्टर लिसनिंग एंड नरेटिंग इट. एक है असली ज्ञान. वन इज रियल नॉलेज. और एक हुआ नकली ज्ञान. एंड द अदर इज आर्टिफिशियल नॉलेज. भले ईश्वर का ही सुनाया हुआ ज्ञान क्यों न हो. नो मैटर इफ इट इज द नॉलेज नरेटेड बाय गॉड. लेकिन अगर सुनने सुनाने तक सीमित है
समझने समझाने और धारण करने कराने के तक विस्तार को नहीं पाया है तो वो रावण का ज्ञान है या ईश्वरीय ज्ञान है? रावण का ज्ञान है। इफ इट इज लिमिटेड टू लिसनिंग एंड नरेटिंग, इफ इट हैजंट अटेंड एक्सपेंशन टू द एक्सटेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मेकिंग अदर्स अंडरस्टैंड इट एंड असिमिलेटिंग इट एंड मेकिंग अदर्स असिमिलेटेड, इज इट द नॉलेज ऑफ रावण और गॉड? इट इज द नॉलेज ऑफ रावण। रावण तो बहुत प्रकांड विद्वान था। रावण वॉज अ हाईली लर्न्ड पर्सन। चित्रों में दिखाते हैं हाथ में, रावण के हाथों में वेद शास्त्र होते हैं। द वेदास एंड स्क्रिप्चर्स आर शोन इन रावण्स हैंड्स एंड पिक्चर्स। वेद शास्त्रों का प्रकांड विद्वान कहा जाता है। He is known as a highly learned person in the scriptures. इतना प्रकांड विद्वान था कि शास्त्रों में लिखा हुआ है कि राम ने भी उस रावण को आवाहन किया था, निमंत्रण दिया था। He was so highly learned that it is written in the scriptures that even Ram had called that Ravan, invited him, saying, कि यज्ञहोत्र कर्म आकर के करो। Come and perform the rituals of the yajna. और उन्हें भी मान्यता तो दी, लेकिन उसने क्या किया? He too valued him, but what did he do? निमंत्रण को स्वीकार किया या ठुकरा दिया? Did he accept the invitation or did he reject it? है? ठुकरा दिया? He rejected it. तो ज्ञान था या ज्ञान के कारण ठुकरा दिया? So did he have knowledge or did he reject it out of ignorance? अज्ञान था? He was ignorant. ज्ञान होता तो पहचानता कि ये तो मनुष्य सृष्टि की बीज रूप आत्मा, इसे सूर्यवंशियों का मूल कहा जाता है, जिसमें परमपिता परमात्मा साक्षात प्रवेश करके मुकरर रूप से पार्ट बजाते हैं, उसके द्वारा निमंत्रण मिला है। Had he had knowledge, he would have recognized that he has been invited by the one who is the seed form soul of the human world, who is called the chief of Suryavanshi, whom the Supreme Father, Supreme Soul himself enters and plays a part permanently. तो अकेले रावण की बात नहीं है। So it isn't only about Ravan. जितने भी विद्वान पंडित आचार्य हैं, जब भगवान आकर की ये ज्ञान यज्ञ रचते हैं, उन सब विद्वान पंडित आचार्यों को निमंत्रण दिया जाता है। When God comes and creates this yajna of knowledge, all the wise men, pandits and scholars are invited. परंतु उस निमंत्रण को स्वीकार कर पाते हैं? तहे दिल से नहीं स्वीकार कर पाते। But are they able to accept that invitation wholeheartedly? They are unable to accept it. तो एक होता है सुनने सुनाने का ज्ञान। So one is the knowledge of listening and narrating. जिस ज्ञान को दूसरी माता ने धारण किया। The knowledge which the other mother assimilated. सुनाया भी और सुना भी। She narrated and listened to it as well. सुनने सुनाने तक सीमित रहा, रिजल्ट ये निकाला। It was confined to listening and narrating. The conclusion she reached was कि गीता का भगवान दादा लेखराज कृष्ण या राम वाली आत्मा? Is दादा लेखराज कृष्ण और द सोल ऑफ राम गॉड ऑफ द गीता? यज्ञ के आदि में उस माता ने रिजल्ट क्या निकाला? स्टूडेंट रिप्लाइज, व्हाट कंक्लूजन डिड दैट मदर इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ रीच? दादा लेखराज कृष्ण गीता का भगवान। दादा लेखराज कृष्ण इज गॉड ऑफ द गीता। गीता माता का साकार में अगर कोई भगवान इस सृष्टि पर है तो कौन है?
If there is God of Mother Gita in the corporeal form in this world, who is he? दादा लिख रहे हैं, और वो परंपरा अभी तक भी बेसिक में चली आ रही है। दादा लेखराज, एंड दैट ट्रेडिशन इज गोइंग ऑन इन द बेसिक नॉलेज इवन टिल नाउ। वो ही माता वहाँ शरीर छोड़ती है, अंत मते सुगति मिलती। दैट वेरी मदर लीव्स द बॉडी देयर एंड एज आर थॉट्स इन द एंड सो इज द डेस्टिनेशन शी अटेन्स। दूसरा जन्म लेकर आती है, फिर फाउंडेशन डालती है। शी कम्स आफ्टर हैविंग अनदर बर्थ एंड लेज द सेम फाउंडेशन अगेन। एडवांस ज्ञान का फाउंडेशन कौन सी माता के द्वारा पड़ा? द फाउंडेशन ऑफ द एडवांस नॉलेज वॉज लेड बाई विच मदर? वही गीता माता के द्वारा। थ्रू द सेम मदर गीता। जिसने सारा ज्ञान सुना और दूसरों को सुनाया भी, लेकिन जो मूल तंत्र है कि भगवान कौन? Who listened to the entire knowledge as well as narrated it to others, but the quintessence who God is? गीता पति भगवान कौन? Who the husband God of the Gita is? ये स्वयं की बुद्धि में बैठा क्या? Did it sit in her own intellect? बैठा होता तो उसे भगवान के स्वरूप को छोड़ ही नहीं सकती। Had it sat, she wouldn't have abandoned that form of God at all. नहीं बैठा। As it didn't sit, तो बुद्धि प्रभावित हो गई। Her intellect got influenced. जैसे यज्ञ के आदि में बुद्धि प्रभावित हुई उस यज्ञ माता की, और वो यज्ञ माता से प्रभावित हुए ब्रह्मा बाबा। Just like the intellect of that Yajna mother got influenced in the beginning of the Yajna, and Brahma Baba got influenced by that Yajna mother. ऐसे ही अभी भी होता है। The same happens now as well. कृष्ण की आत्मा, दादा लेखराज की आत्मा अभी भी जितनी भी ब्रह्मा कुमारियां हैं बीके वाले, बेसिक नॉलेज सुनाने वाले, उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों की भी जो अम्मा की अम्मा दादी अम्मा रही हो, पहले भी प्रभावित थी उसी आत्मा से और अभी भी उसी आत्मा से प्रभावित है। द सोल ऑफ कृष्ण, द सोल ऑफ दादा लेखराज वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मदर ऑफ द मदर, लेट इज ग्रैंड मदर ऑफ इवन ऑल दोस ब्रह्मा कुमारीज इन द बीके हु नरेट द बेसिक नॉलेज। He is influenced by the same soul earlier and now as well. प्रभावित होने के कारण क्या होता है? What is the reason for being influenced? है? प्रभावित होने का कारण है गहराई तक ज्ञान की समझ नहीं है, बच्चा बुद्धि होने के कारण। The reason for being influenced is that he doesn't have the understanding of the knowledge deeply because of having a childlike intellect. वो आत्मा राम वाली व्यक्तित्व में भी प्रवेश करती है और उस माता में भी प्रवेश करती है। दैट सोल एंटर्स द पर्सनैलिटी ऑफ राम एज वेल एज दैट मदर। राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करती है तो नाम पड़ता है चंद्रशेखर। व्हेन इट एंटर्स द पर्सनैलिटी ऑफ राम ही इज नेम्ड चंद्रशेखर, दैट इज अ नेम ऑफ शंकर। पड़ता है ना? ही इज, इजंट ही? चंद्रभाल। He is also named Chandrabhal, that is a title of Shankar. फिर वो ही कृष्ण वाली आत्मा महाकाली में भी प्रवेश करती है। Then the same soul of Krishna enters Mahakali as well. मस्तक में चंद्रमा दिखाया जाता है, वो ही अधूरा। The same incomplete moon is shown on her forehead. माने वो माता किससे प्रभावित है? It means by whom is that mother influenced? है? कृष्ण वाली आत्मा से प्रभावित है, उसी को सर माथे पर रखा हुआ है। She is influenced by the soul of Krishna. She has placed him on her forehead. और उस माता के जो भक्त होते हैं वो भक्त भी सुनने सुनाने वाले। And the devotees of that mother are also the ones who just listen and narrate. जब भक्ति करते हैं, भक्ति में लीन होते हैं,
तो जय माता दी करेंगे, पिताजी को पूरा ही भूल जाते हैं, पता ही नहीं पिताजी है अभी या नहीं है। When they do bhakti, when they become absorbed in bhakti, they say jai mata di, that is hail to the mother. They forget the father completely. They just don't even know whether the father exists or not. तो माता जिसने कृष्ण बच्चे को दुनियावी लोगों से प्रभावित होकर के अपना पति भगवान मान लिया, सर माथे पर धारण कर लिया, उसको सर्वोपरि माने। So, when the mother who considered the child Krishna to be her husband God, having been influenced by the worldly people, when she has held him on her forehead and considers him to be above all, तो विनाश करेगी या स्थापना पालना करेगी? Will she bring destruction or establishment and sustenance? विनाश की कारण बन जाती है महाकाली। महाकाली becomes the reason for the destruction. और एक दूसरी माता भी थी। And there was another mother as well. जिसने दादा लेखराज ब्रह्मा के साक्षात्कारों का क्लेरिफिकेशन सुना, बुद्धि में धारण किया, बोला किसी से नहीं। Who listened to the clarification of Dada Lekhraj Brahma's visions, assimilated it in the intellect, but didn't tell about it to anybody. और अभी भी उस ज्ञान के विस्तार को जितना सुना उतना धारण किया, और जितना धारण किया उतना ही दूसरों को बताया। And even now, she assimilated the expanse of the knowledge to the extent she listened to it, and narrated it to others only to the extent she assimilated it. जब एडवांस ज्ञान सुनेगी, क्योंकि एडवांस पार्टी को डायरेक्शन मिला है, क्या करो, विजय माला का आवाहन करो। When she listens to the advance knowledge, it is because the advance party has received a direction. Do what? Invoke the विजय माला। तो जो शहद की मक्खियों की रानी है, उसका जब आवाहन होगा तो सारी विजय माला स्वतः ही उसके पीछे पीछे आ जाएगी। किस आधार पर आ जाएगी? So when the queen bee is invoked, the entire विजय माला will follow her automatically. On what basis will it come? है? वो ही प्योरिटी के आधार पर। On the basis of purity itself. जो यज्ञ के आदि में प्योरिटी थी, वो प्योरिटी अभी भी, इतनी ब्रह्मा कुमारियां हैं उनमें कोई ब्रह्मा कुमारी तो 100% पवित्र होगी। इवन नाउ द प्यूरिटी दैट एग्जिस्टेड इन द बिगनिंग ऑफ द यज्ञ, देर आर सो मेनी ब्रह्मा कुमारीज, अमंग देम देर विल सर्टेनली बी अ ब्रह्मा कुमारी हु इज 100% प्योर। कोई तो चंद्रवंशियों के बीज कोई ऐसी कन्या कुमारी होगी। There will certainly be a maiden, the seed of the Chandravanshis. क्यों तो माताएं तो उतनी पवित्र नहीं होती। It is because the mothers aren't that much pure. लेकिन कुमारियां तो पवित्र होती हैं। But maidens certainly are. तो इतनी सरेंडर्ड हुई कुमारियां हैं उनमें कोई 100% पवित्र कन्या होगी या नहीं होगी? ये सारी झूठी हो गई, जरूर होगी। सो देर आर सो मेनी सरेंडर्ड मेडन्स, विल देर बी अ मेडन हु इज 100% प्योर और नॉट, और इज एवरीवन फॉल्स, देर विल सर्टेनली बी सच अ मेडन। उसके पीछे ढेर सारा हुजूम है, देर इज अ बिग गैदरिंग बिहाइंड हर। वो एक शहद की मक्खी निकलेगी, उसके पीछे पीछे सारा झाड़ आ जाएगा। When that one queen bee comes, the entire swarm will come behind her. और सारी दुनिया में रिवॉल्यूशन हो जाएगा। And there will be a revolution in the entire world. ये रिवॉल्यूशन की शुरुआत पहले ब्राह्मणों की दुनिया से होगी। The beginning of this revolution will first take place in the world of the Brahmins. अभी
बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में रिवोल्यूशन क्यों नहीं हो रहा है? Why isn't there a revolution in the world of the basic Brahmins now? है? क्योंकि सरेंडर्ड वर्ग में से कोई नहीं निकलता. It is because nobody comes from amongst the surrendered category. सारे नॉन सरेंडर्ड समर्पित हो रहे हैं कि सरेंडर्ड समर्पित हो रहे हैं? Is the non-surrendered or the surrendered category surrendering here? नॉन सरेंडर निकल रहे हैं. बने घरग्रस्त के कीचड़ में से रहने वाली आत्माएं सरेंडर हो रही हैं. Those from the non-surrendered category are coming. It means the souls who live in the mire of the household are surrendering. गीता पाठशालाएं खोल रही हैं, अपने को समर्पित समझ के चल रही हैं. They are opening गीता पाठशालास. They are following the knowledge, considering themselves to be surrendered. नंबर वार हले हैं. दो दे आर नंबर वाइज. लेकिन जो संपूर्ण समर्पित जीवन बिताए रहे हैं बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में. बट दोज हु आर लीडिंग अ कम्प्लीटली सरेंडर्ड लाइफ इन द वर्ल्ड ऑफ बेसिक ब्राह्मिन्स. और चंद्रवंश की पालना में चल रहे हैं. एंड आर बीइंग सस्टेन्ड बाय चंद्रवंश. कौन सी पालना? और सस्टेनेंस. चंद्रवंश है. चंद्रवंश. एक होता है सूर्यवंश. वन इज द सूर्यवंश. एक होता है चंद्रवंश. एंड द अदर इज द चंद्रवंश. इंद्रियों में ज्यादा गर्मी किसमें भरी हुई होगी? हु विल हैव मोर हीट इन द इंद्रिया? सूर्यवंशियों की इंद्रियों में ज्यादा गर्मी भरी हुई होती. द सूर्यवंशीज हैव मोर हीट इन द इंद्रिया. और चंद्रवंशियों में ठंडापन होना चाहिए. एंड वॉट अबाउट द चंद्रवंशीज? दे शुड हैव कूलनेस. आदि से ही ब्रह्मा की आत्मा ठंडा पार्ट बजाती आई है, सहनशीलता का पार्ट बजाती आई है. द सोल ऑफ ब्रह्मा हैज कंटिन्यूड टू प्ले अ कूल, दैट इज काम रोल. ही हैज कंटिन्यूड टू प्ले द रोल ऑफ टॉलरेंस फ्रॉम द बिगनिंग इटसेल्फ. एक भी ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं होगा. देयर वोंट बी अ सिंगल ब्रह्मा कुमार और कुमारी. जिसने ब्रह्मा बाबा के जीवन में थोड़ा भी अनुभव किया होगा वो कभी ये नहीं कहेगा कि ब्रह्मा बाबा ने हमको दृष्टि मात्र से भी दुख दिया. हु वुड हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद ब्रह्मा बाबा इवन फॉर अ वाइल इन हिज लाइफ, हु इवन से दैट ब्रह्मा बाबा गेव हिम सोरो इवन थ्रू दृष्टि. उनके संग से आत्माओं को शीतलता की प्राप्त हुई. दोज सोल्स एक्सपीरियंस्ड कूलनेस बाय हिज कंपनी. लेकिन कभी आंख से भी तुरस नहीं हुए. एंड ही डिडंट गेट एंग्री इवन थ्रू द आईज. तो ऐसे चंद्रवंश में पलने वाली जो अव्वल नंबर चंद्रिका होगी. सो द नंबर वन चंद्रिका हु इज सस्टेन्ड इन सच चंद्रवंश. जिसका नाम शास्त्रों में राधा दिया गया है. शी इज नेम्ड राधा इन द स्क्रिप्चर्स. शास्त्रों में नाम दिया है सीता. सीता माने? She has been named Sita in the scriptures. What does Sita mean? गरम या ठंडे? शीतल. Hot or cool? Cool. सीता माने शीत. Sita means cool. That is शीत. इंद्रियों से भी शीतल. वाचा से भी शीतल. दृष्टि से भी शीतल. और वाइब्रेशन से भी शीतल. She is cool through the indriya, speech, drishti and also vibrations. ऐसी आत्मा जब एडवांस पार्टी में आती है और पालना के निमित्त बनती है. When such soul comes in the advanced party and becomes an instrument for its sustenance. ऐसी पालना के निमित्त बनती है जो सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन बनता है, उस संगठन की पालना के निमित्त बनती है. शी बिकम्स द इंस्ट्रूमेंट फॉर द सस्टेनेंस ऑफ द गैदरिंग ऑफ द एलिवेटेड सोल्स दैट इज फॉर्म्ड अमंग द सूर्यवंशीज. सूर्यवंशियों में श्रेष्ठ आत्माएं कितनी है? हाउ मेनी एलिवेटेड सोल्स आर देयर अमंग द सूर्यवंशीज? आठ ही है. देयर आर सर्टेनली एट एलिवेटेड सोल्स. जिन्हें अष्टदेव कहा जाता है.
सेमी देव नहीं, दे आरेंट सेमी डेटीज, पौने 16 कला वाले देव नहीं, दे आरेंट द डेटीज कंप्लीट विथ 15 3/4 सेलेस्टियल डिग्रीज। जो पौने 16 कला बनेंगे वो कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण देव होंगे। Those who become complete with 15 3/4 celestial degrees, will they be the Brahmin deities who convert to the other religions? ये अपने धर्म के सदैव पक्के रहने वाले होंगे। Or will they be the ones who are always firm in their religion? पौने 16 कला भी होंगे तो जरूर कन्वर्ट होंगे। Even if they are complete with 15 3/4 celestial degrees, they will certainly be those who convert to the other religions. जो पूरे 16 कला संपूर्ण बनते हैं और इसी जन्म में बनते हैं। Those who become absolutely complete with 16 celestial degrees and those who become that in this very birth, इसी जन्म में नई दुनिया का फाउंडेशन लगाने के निमित्त बनते हैं। Who become the instruments to lay the foundation of the new world in this very birth, वो ऐसी 8 श्रेष्ठ आत्माओं के पारिवारिक इकाई को पालना देने के निमित्त बनती है। She becomes the instrument to sustain the gathering, the family of such 8 elevated souls. वो पालना सच्ची गीता की है। That is the sustenance of the true Gita. झूठी गीता की नहीं होती। Not of the false Gita. इसलिए मुरली में भी बोला है। This is why it has also been said in the Murli. गीता तू सच्ची गीता है। गीता यू आर द ट्रू गीता। सच्ची सच्ची पालना देने वाली तो वो गीता है जो नई दुनिया का फाउंडेशन लगाती है। द गीता हु लेस द फाउंडेशन ऑफ द न्यू वर्ल्ड इज द वन हु गिव्स द ट्रू सस्टेनेंस। उसके लिए बोला गया है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता। It has been said for her, Srimad Bhagavad Gita, the crown jewel among all the scriptures. अपने कर्मों से श्रीमत दिखाती है। She shows Srimad through her actions. वाचा से उतना नहीं। Not through speech to that extent. कैसे? लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ता है? What are people influenced by? कर्मों के आधार पर प्रभाव पड़ता है। दृष्टि के आधार पर प्रभाव पड़ता है। वातावरण वायुमंडल जो बनाती है उस वायुमंडल से प्रभाव पड़ता है। दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्शंस दृष्टि एंड द एटमॉस्फेयर दैट शी क्रिएट्स। तो ऐसी गीता है ईश्वर की मत। सो सच गीता इज द डायरेक्शन ऑफ गॉड। एक होती है ईश्वरीय मत और दूसरी होती है आसुरी मत। मत माने बुद्धि अकल। वन इज द डायरेक्शंस ऑफ गॉड एंड द अदर इज द डायरेक्शंस ऑफ डीमंस। डायरेक्शंस मींस इंटेलेक्ट विजडम। तो आसुरी मत ईश्वरीय मत और दैवी मत। सो द डायरेक्शंस ऑफ गॉड द डायरेक्शंस ऑफ डीमंस एंड द डायरेक्शंस ऑफ डेटीज। तीन प्रकार की मतें हैं। देर आर 3 काइंड ऑफ डायरेक्शंस। ईश्वरीय मत सिर्फ संगम युग में मिलती है। यू रिसीव द डायरेक्शंस ऑफ गॉड ओनली इन द कॉन्फ्लुएंस एज। और युगों में ईश्वरीय मत नहीं मिलती, न सतयुग में, न त्रेता में, न द्वापर में, न कलयुग में। यू डोंट रिसीव द डायरेक्शंस ऑफ गॉड इन अदर एजेस। यू नीदर रिसीव देम इन द गोल्डन एज, द सिल्वर एज, द कॉपर एज, नॉर इन द आयरन एज। और आसुरी मत है? And what about the directions of demons? द्वापर कलयुग मिलती है। Student, in the copper and the iron age, you receive them in the copper and the iron age. और संगम युग में नहीं मिलती। And don't you receive them in the confluence age? है? अगर संगम युग में मिलती नहीं है, तो फिर कन्वर्ट होने वाले ब्राह्मण कहाँ से पैदा हो गए? If you don't receive them in the confluence age, from where are the Brahmins who convert born? Brahmans se devata convert hone wale semi devata kaise banenge?
How will they become the Brahmins who become deities, semi-deities, those who convert to other religions? कहाँ बन रहे हैं? Where are they becoming that? अभी बन रहे हैं। They are becoming that now. एक की बातें नहीं सुनेंगे। They won't listen to the one. जिनसे जिनसे भी बातें करेंगे, इधर बातें करेंगे, उधर बातें करेंगे, रज रज की बातें करेंगे। Whoever they talk to, they will talk here, they will talk there, they will talk intimately. ऐसे बातें करेंगे जैसे इनकी बातें आपस में सच्ची हैं और बाकी सारी दुनिया झूठी है। They will talk in such a way as if their mutual conversations are true and the rest of the world is false. तो आसुरी मत संगम युग में भी है, आसुरी मत द्वापर कलयुग में भी है, लेकिन सतयुग त्रेता में आसुरी मत नहीं होती और दैवी मत। So the directions of demons exist in the confluence age as well as the copper and iron age. But the directions of demons don't exist in the golden and the silver age. And what about the directions of deities? द्वापर कलयुग में दैवी मत नहीं होती और कहाँ होती है? The directions of deities don't exist in the copper and iron age. And where do they exist? सतयुग त्रेता में दैवी मत होती है और संगम युग में भी दैवी मत होती है। The directions of deities exist in the golden and silver age and it exists in the confluence age as well. कैसे? How? क्या प्रूफ है? What is the proof? दैवी मत का क्या प्रूफ है अभी? What is the proof of the directions of deities now? दैवी मत देवता देगा, ईश्वर देगा या असुर देगा? Will a deity, god or demon give the directions of deities? देवता देगा। कौन है देवता? अगर है तो बताओ। A deity will give them. Who is a deity now? If there is one, tell me. महादेव है। महादेव मत देने वाला है। Student Mahadev. It is Mahadev. Is Mahadev the one who gives directions? तो शिव बाबा ईश्वर है या देवता है? Student Shiv Baba. So is Shiv Baba God or a deity? है? ईश्वर है। फिर देवता देवता मत संगम युग में कहाँ से आई? Then from where did the directions of deities come in the confluence age? संगम युग में देवता ही मत है या नहीं है? Do the directions of deities exist in the confluence age or not? है? अरे है कि नहीं? अरे do they exist or not? माता है तो चुपचाप बैठी। Mothers are sitting quietly. है? हाँ ब्रह्मा की सोल जब निराकारी स्टेज धारण करती है। स्टूडेंट इट इज रिसीव्ड फ्रॉम ब्रह्म बाबा। यस व्हेन द सोल ऑफ ब्रह्मा टेक्स ऑन द इनकॉर्पोरियल स्टेज राम वाले व्यक्तित्व में प्रवेश करके पार्ट बजाती है तो संघ का रंग लगता है या नहीं लगता है? है? लगता है। व्हेन इट प्लेज अ पार्ट बाय एंटरिंग द पर्सनैलिटी ऑफ राम Is it colored by his company or not? He is. तो जो भी मति आती है उस समय। So whatever directions he, the soul of Ram, give at that time. वो मति श्रेष्ठ मति है या दुष्ट मति है? श्रेष्ठ मति आती है। Are they elevated directions or wicked directions? He gives elevated directions. और वो जो भी उस मति से धारण करेगी क्योंकि देवात्मा है 100% देवात्मा है 16 कला संपूर्ण वो आत्मा जब भी जाती है गुलजार दादी में वाणी चलाती है तो एक भी महावाक्य ऐसा नहीं होता है जो ईश्वर की वाणी मुरली के वर खिलाफ हो। एंड वॉट एवर ही दैट इज द सोल ऑफ ब्रह्मा एसिमिलेट्स थ्रू दोज डायरेक्शंस It is because he is a deity soul. He is a 100% deity soul, complete with 16 celestial degrees.
Whenever that soul goes and narrates Vani through Dadi Gulzar, there isn't a single great sentence that is against the Vani of God, that is Murli. कोई ऐसा वाक्य निकला अव्यक्त वाणी का जो मुरली के महावाक्य को काटने वाला हो? इज देर एनी सच सेंटेंस इन अव्यक्त वाणी दैट कॉन्ट्रडिक्ट्स अ ग्रेट सेंटेंस ऑफ मुरली? किसी ने पढ़ा? किसी ने सुना? हैज एनीवन रेड इट? हैज एनीवन हर्ड इट? किसी ने सुनाया? नहीं. हैज एनीवन नरेटेड इट? नो. लेकिन एक अंतर है उस वाणी में. बट देर इज अ डिफरेंस इन दैट वाणी. मुरली में और अव्यक्त वाणी में क्या अंतर है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द मुरली एंड द अव्यक्त वाणी? मुरली है ज्ञान की वाणी. मुरली इज द वाणी ऑफ नॉलेज. और अव्यक्त वाणी है धारणा की वाणी. एंड अव्यक्त वाणी इज द वाणी ऑफ धारणा. धारणा देवता में होगी या भगवान में होगी? Will a deity or God assimilate the virtues? भगवान अगर धारणा करने लगे तो फिर इस पापी सृष्टि का विनाश हो ही नहीं सकता. If God starts assimilating them, this sinful world can't be destroyed at all. भगवान के ये गुण नहीं है क्या? These aren't the qualities of God. What? सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम. कम्प्लीट विथ ऑल द वर्च्यूज, कम्प्लीट विथ 16 सेलेस्टियल डिग्रीज, कम्प्लीटली नॉन वायलेंट एंड द बेस्ट अमंग द सोल्स हु फॉलो द कोड ऑफ कॉन्डक्ट. ये देवता के गुण हैं. दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द डेटीज. जो भगवान का पार्टधारी है उस भगवान के पार्टधारी के ये गुण नहीं है. These aren't the qualities of the one who plays the part of God. Om Shanti. Om Shanti.